Now we are going to discuss refraction through prism. This is prism. ABC is a prism. This angle A is called as angle of prism. And AB, AC are the refracting surfaces. Now let this is the this is incident ray on the refracting surface and this is the normal. ठीक है दिस ओ एन वन इज अ नॉर्मल देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज म्यू टू एंड म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल मूव bend towards the normal then this light this ray will bend towards the normal now look here this is incident ray and this is normal this angle is angle of incident This is refracted ray and this is normal. This angle is angle of refraction. From here, from the face AC, rays are coming outside that is traveling from mu2 to mu1 that is from denser to rarer medium. Hence, it will move away from the, your bend away from the normal. तो इसका नॉर्मल बना दे हेयर नॉर्मल विल बी लाइक दिस वन दिस इज द नॉर्मल एंड दिस रे विल बैंक अवे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल राइट दिस एंगल is R2 and this angle this is the emergent ray behind and this is the normal this angle is emergent clear ho gaya this is the ray diagram through the refraction through the prism take ये रे डायग्राम किसका है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का है ठीक है नाउ एक्सटेंड दिस लाइन इंसिडेंट रे इसको आप एक्सटेंड कीजिए इस तरीके से एंड इसको भी एक्सटेंड कीजिए This angle is called as angle of deviation. क्या कहते हैं इसको Angle of deviation. That is extended incident ray है and emergent ray को backward direction में हम लोगों ने इसको extend कर दिया and इन दोनों के बीच का angle है This angle is called as angle of deviation. ठीक Now we are going to find out the relation for angle of deviation. Now we are going to find out the expression for angle of deviation. तो इसको मैं थोड़ा सा extend कर दूं and this is O and I am taking this point. As a M, this point as a N, right? Is it clear?
Now, calculation of angle of deviation, that is delta. Now consider the quadrilateral AMONO. Consider A, quadrilateral AMON. Clear? Now this angle, AMO कितना होगा? This will be of 90 degree. क्यों? This is what? ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ठीक है. एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. दैट इज एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल ए एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल ए एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सरफेस है. दैट इज एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एन ओ इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल ए प्लस एंगल ओ ये भी 180 डिग्री होगा. भाई एक क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट एंगल का सम 180 है तो बाकी दो कितना होगा? 180 ही होगा. तो इसका और इसका सम 180 है, इन दोनों कितना हो जाएगा? 180. क्लियर हो गया? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल एम एन ओ एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेट करो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. व्हाट यू विल गेट? एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ. दिस एंड दिस कैंसिल. दैट इज इफ आई राइट एंगल ए इक्वल टू ए देन ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ लेट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 एंड आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ पी. राइट. नाउ डेल्टा डेल्टा इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. डेल्टा इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. भाई इस ट्रायंगल में पी एम एन में डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है जिसका सम किसके इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 2 के. नाउ एंगल आई इक्वल टू आर वन प्लस एंगल 1. ये जो एंगल आई है ये किसके इक्वल होगा? हाँ, अपोजिट एंगल होंगे ना, जस्ट वर्टिकल अपोजिट. कौन सा होगा? एंगल 1 एंड एंगल आर वन. दैट इज एंगल 1 इक्वल टू आई माइनस आर वन. सिमिलरली एंगल 2 देखो जरा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल ई ये किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस. एंगल 2 प्लस एंगल आर 2. एंगल 2 इक्वल टू ई माइनस आर 2.
ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल वन एंड एंगल टू इन दिस इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है, व्हाट यू विल गेट भाई, एंगल वन की वैल्यू यहां से और एंगल टू की वैल्यू यहां से लेकर इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो तो डेल्टा इक्वल टू हाउ मच आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। नाउ डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस टाइम्स आर वन प्लस आर टू। अब जा देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वन प्लस आर टू, पहले निकाल चुके हैं, दिस इज एंगल ए, आई इक्वल टू सॉरी डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए, दैट इज डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, सॉरी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमेजेंट, ठीक है।